तो आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे एक गरीब के घर की एसी की कहानी। तो ये कहानी अपर्णा और निधि की है। अपर्णा और निधि बड़े शहर में छोटे से घर में रहती थी। उनके पिता संतोष शहर के बड़े बैंक में चपरासी का काम करते थे, जहां उनका काम चाय देना और फाइल को एक टेबल से दूसरे टेबल तक लेकर जाना होता था। उनकी माँ मीना शहर के बड़े बिजनेसमैन बिरला के घर खाना बनाने का काम करती थी। दिन में संतोष जहाँ बैंक चला जाता था, वहीं मीना का पूरा दिन बिरला जी के घर में गुजर जाता था। दोनों बेटियाँ निधि और अपर्णा पूरा दिन अपने घर में गुजारती थी। और फिर एक दिन, दीदी इस बार तो बहुत गर्मी पड़ रही है। हाँ निधि, अभी तो मार्च का ही महीना है, पता नहीं मई जून आते आते क्या ही होगा। हाँ दीदी, और हमारा तो घर भी टॉप फ्लोर पर है, नीचे फ्लोर वाली आंटी के यहाँ तो कूल कूल लगता होगा। चलो छोड़ो, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो है उसमें संतोष रहना चाहिए। दीदी ये बोलने और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर आसान नहीं होता इसे निभाना। अपर्णा चुप हो जाती है और निधि की तरफ देखने लगती है। मैं बाबा से आज बात करूंगी कि वो मुझे मामा जी के घर भेज दे। तुम्हें पता है दीदी, मामा जी के घर में एसी है। हाँ हाँ मुझे पता है, पर हम वहाँ कैसे जा सकते हैं और कितने दिनों के लिए जाएंगे? मुझे नहीं पता कौन कब तक रहेगा, मैं सिर्फ अपने बारे में जानती हूँ। मैं जुलाई से पहले वापस तो नहीं आऊँगी। तेरी पढ़ाई तेरे स्कूल का क्या होगा? हाँ इतने दिनों तक स्कूल बंद रहेगा क्या तेरा? नहीं दीदी बंद तो नहीं रहेगा, बाबा तो दिन भर बैंक में ठंडे ठंडे में रहते हैं, उधर माँ भी कुछ बहुत ठंडी ठंडी में अपना काम निकाल ही लेती होगी। हम दोनों बहन ही यहाँ रह जाते हैं, अभी तो हम स्कूल में अपना दिन निकाल लेते थे, पर अब तो हमारी छुट्टी आने वाली है, हमें पूरा दिन यहाँ गर्मी में रहना पड़ेगा, हमारा दिन कैसे गुजरेगा दीदी? दीदी बात तो तुम सही कह रही हो निधि, पर हमारे पास कोई विकल्प भी तो नहीं है। पर दीदी अब हमारी डेढ़ महीने की छुट्टी होने जा रही है, हमें कोशिश करनी होगी कि हम अपने इस समय को प्रोडक्टिव काम में लगा सकें, ताकि हम चिलचिलाती गर्मी से खुद को बचा सकें। मैं समझ नहीं पाई तुम किस प्रोडक्टिव काम की बात कर रही हो। ये तो मुझे भी नहीं पता, पर इतना पता है कि हम सारे दिन घर में तो नहीं गुजार सकते, इस गर्मी में तो मैं मर ही जाऊंगी। देख निधि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे अगर कोई विकल्प मिलता है तो मुझे जरूर समझाना, मैं तेरे साथ हूँ। चल निधि अब हम अपना होमवर्क कर लेते हैं, साथ ही घर का काम भी हमें करना है, माँ भी अब कुछ समय में आने ही वाली होगी। चलो ठीक है दीदी, मैं तो चली अपना होमवर्क करने। दोनों बहन अपने अपने कामों में लग जाती हैं। समय ऐसे ही गुजरता रहा और हर आते वक्त के साथ गर्मी की तपिश बढ़ती चली गई। और अपर्णा और निधि का हर पल ये सोचने में गुजर रहा था कि ऐसा क्या करें कि उन्हें इस गर्मी में घर में अपना वक्त ना गुजारना पड़े। एक दिन सुबह में, निधि चल जल्दी कर, हमें देर हो रही है। हाँ दीदी मैं बस तैयार हूँ। दोनों बहन अपना बैग लेकर घर से निकल जाती हैं। अभी रास्ते से वो जा ही रही थी, तभी उनकी नजर रोड पर खड़े रोते हुए बच्चे पर जाती है। अरे तुम रो क्यों रहे हो? मेरी माँ, क्या हुआ तुम्हारी माँ को? वो बच्चा कुछ नहीं बोलता और रोते ही चला जाता है। तुम चुप हो जाओ और हमें बताओ हुआ क्या है, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बच्चा ये सुनकर चुप हो जाता है और कहता है, मैं अपनी मम्मी पापा के साथ अपनी गाड़ी से नानी के घर से लौट रहा था, तभी कुछ गुंडे हमारी गाड़ी को रोक देते हैं और पापा से पैसे मांगते हैं। पापा के पास जितना कैश था उन्होंने दे दिया, और तभी माँ के पास भी जो होता है वो भी सब कुछ दे दिया था। पर पापा जैसे ही अपनी गाड़ी शुरू करने वाले थे, तभी कमिश्नर अंकल का फोन पापा के पास आ जाता है, और ये देख कर वो लोगों ने माँ पापा को गोली चला दी, जिसमें वो दोनों वहीं मर गए। मैं इतना डर गया था कि मैं भी बेहोश हो गया, पर जब मुझे होश आया तो देखा वहाँ कोई नहीं था। उन्हें लगा कि मैं भी मर गया हूँ, इसलिए वो लोग वहाँ मुझे ऐसे ही छोड़ कर चले गए। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं वहाँ से भागता भागता आ रहा हूँ। मैंने डर से किसी से भी कुछ नहीं कहा, पर आप दोनों को देखकर मुझे हिम्मत हुई कि आप दोनों मुझे नहीं मारोगी। मैं पूरी रात इधर से उधर चलता रहा, अब मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है, क्या आप दोनों मुझे खाना खिला सकती हो? ये लो तुम हमारा टिफिन खा लो, पर हमें पहले बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम रिंकू है। फिर अपर्णा और निधि अपना अपना टिफिन निकाल कर रिंकू को दे देती है। रिंकू ने दोनों टिफिन एक साथ ही खा लिए। थैंक यू दीदी, क्या आप दोनों मुझे अपने घर लेकर चल सकती हो?
हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलो तुम हमारे साथ चलो। निधि और अपर्णा रिंकू को अपने साथ घर ले जाती हैं। रिंकू घर आकर बहुत दुखी रहता है, वो हर कुछ समय के बाद रोने लगता है। थोड़ी देर में मीना अपने घर वापस आ जाती है। मीना रिंकू को देखकर चौंक जाती है। अरे अपर्णा ये कौन है? अपर्णा मीना को सारी बात बताती है। मीना बहुत परेशान हो जाती है, फिर उस बच्चे से पूछती है, बेटा तुम कहाँ रहते हो? जी मैं कोशीपुर में रहता हूँ आंटी। अच्छा, और तुम्हारी नानी जी वो कहाँ रहती हैं? जी वो सानीपुर में रहती हैं। मीना ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि ये दोनों जगह के बारे में मीना को कुछ नहीं पता था। वो रिंकू से सारी बात फिर से पूछती है। मीना बेसब्री से संतोष का इंतजार करने लगती है। संतोष के आते ही मीना संतोष से रिंकू के बारे में सारी बातें बताती है। संतोष भी ये सब सुनकर बहुत घबरा जाता है। अब हमें क्या करना चाहिए, हम इस तरह तो इसे अपने घर में भी नहीं रख सकते। यही बात तो है, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। चलो एक काम करते हैं, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, तुम रिंकू को भी साथ ले लेना। जी मैं अभी आई। संतोष मीना और रिंकू को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। वो अपर्णा और निधि को भी साथ ही ले जाता है। सर ये बच्चा हमारी बेटियों को रास्ते में मिला था। फिर वो सारी बात पुलिस को बताता है। पुलिस रिंकू की बात सुनकर सारी बात लिख लेता है। बेटा तुम्हें अपनी नानी के घर के बारे में किसी का नंबर पता है? नहीं अंकल, मुझे किसी का नंबर याद नहीं है, सारा नंबर फोन में था जो वो लोग लेकर चले गए हैं। अभी आप लोग चाहे तो इस बच्चे को अपने साथ ले जाइए, और नहीं तो ये हमारे पास भी रह सकता है। पर अंकल मुझे दीदी लोग के साथ ही रहना है। रिंकू की जिद को देखकर संतोष पुलिस के कहने पर रिंकू को अपने साथ ले आता है। मीना सभी को खाना बनाकर खिलाती है, फिर सभी लोग सो जाते हैं। रिंकू गर्मी से बहुत परेशान होने लगता है। उसकी परेशानी देखकर अपर्णा और निधि उसे पंखा करने लगती है। मीना उसे प्यार से सुला देती है। अगली सुबह, देखो बेटा तुम दोनों बहन आज स्कूल मत जाओ, वरना रिंकू अकेले घर में कैसे रहेगा? जी माँ हम लोग आज घर पर ही रह जाते हैं। मीना अपने काम पर जाने लगती है। बेटा आप लोग कोई भी घर से कहीं बाहर मत जाना, घर पर ही खेलना। जी माँ। संतोष भी फिर चला जाता है। रिंकू इस परिवार में बहुत घुल मिल गया था। उसे प्यार करने वाली माँ और दो साथ खेलने और ध्यान रखने वाली बहनें जो मिल गई थी, वो धीरे धीरे अपने गम से बाहर आ रहा था। एक सप्ताह बाद शाम का समय था। संतोष और मीना अपने अपने काम से लौट चुके थे। अचानक ही दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं अभी देखता हूँ बाहर कौन है। संतोष रिंकू घर पर है क्या? जी सर। पुलिस रिंकू की नानी और मामा को लेकर अंदर आती है। अपने मामा और नानी को देखकर रिंकू रोने लगता है। रिंकू की नानी रिंकू को गले लगा लेती है। चल बेटा हमारे साथ। नहीं नानी मुझे यहाँ बहुत मन लग गया है, अब मैं इन लोगों के साथ ही रहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप लोगों के कारण हमें हमारी बेटी की आखिरी निशानी तो मिल गई। हमें तो हादसे के बारे में भी कुछ नहीं पता था। जी हमें बहुत दुख है जो इस छोटे बच्चे के साथ हुआ। आप लोग तो बहुत गरीब हैं, पर इस गरीबी में भी आपने हमारे बच्चे का बहुत ध्यान रखा, हमें ये सब देखकर बहुत खुशी हुई। रिंकू के मामा तभी संतोष को 1,00,000 का चेक देते हैं। ये तो सिर्फ हमारे रिंकू के तरफ से उसकी बहनों को छोटा सा गिफ्ट है, कृपया मना ना करें, आप लोग इस पैसे को अपने घर में इस्तेमाल कर लेना। हाँ दीदी आप अपने घर में एसी लगवा लो, ताकि अगली बार जब हम आए तो असहज महसूस ना करें। इसके अलावा ये आप दोनों के लिए भीषण गर्मी में भी आरामदायक रहेगा। संतोष चेक रखना तो नहीं चाह रहे थे, पर रिंकू के नानी और मामा को मना नहीं कर पाए, और फिर वो लोग रिंकू को वहाँ से ये कहकर ले जाते हैं कि हर राखी में रिंकू अपनी बहनों से राखी बंधवाने जरूर आएगा। रिंकू के जाने के बाद अपर्णा और निधि बहुत दुखी हो जाती हैं, पर संतोष कहता है चलो सब लोग तैयार हो जाओ, हम लोग एसी लेकर आते हैं। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। दूसरे ही दिन संतोष अपने घर में एसी लगवा देता है। अपर्णा और निधि रिंकू से फोन पर बात करती हैं और एसी के बारे में बताती हैं। सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि
कि हमें अपनी तरफ से दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो गॉड हमारी मदद करते हैं। और आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही कहानी देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नई रोमांचक कहानी के साथ।